हाय बोलो चुप रहे। इनके साथ जब भी मैं सेल्फी लेती हूँ या कुछ वीडियो बनाती हूँ, पूछा हो मेरा सिर हो, मेरे बाल, मेरा मुंह, मेरा नहीं लगा तेरा। हाय एवरीवन, नमस्ते सारे जो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज क्या बार है भाई? मंगलवार। और आज सुबह सुबह आज मुझे आप देख रहे हो, मैंने आज तक ऑफिस में कभी व्लॉग नहीं बनाया। आज ट्यूसडे है और हम पहुंच गए ऑफिस। ऑफिस में रह गया था कुछ काम करने को, तो वो करने आए हैं हम। और पहली बार मैं अपने ऑफिस में वीडियो बना रही हूँ, आपको मैं सर भी दिखाऊंगी आज अपने। सर होना काम नहीं कर रही थी, वीडियो बना दूँ से। आज तो आप बड़े बड़े सुंदर लग रहे हो आंटी। क्या किया आपने आज? सुना सुना लग रहा मेरे बिना, सच में कितना सोना ही हो गया। चला आ जाऊंगी मैं जल्दी फिर से, ठीक है? शाम के 4 बजे और अभी हमें जस्ट कुछ खाने का मौका मिलेंगे। सुबह से हम सारे काम में लगे हुए थे। मुझे लगता है कि लास्ट दिन आज भी नहीं है मेरा यहाँ पे। क्योंकि काम इतना, मुझे लगता है बिरयाना पहना है ना 20 आदमी। फिर से मत बुलाना मुझे यार, प्लीज। मुझे अभी तक नहीं हुआ काम खत्म। चाह आज मेरे को 3 बार पी ले कैंटीन आदि। अभी कैफे जाऊंगी मैं पूरे 6 बजे, 1 घंटा दब के काम करूंगी फिर मैं। पहले पूछ मेरे को कि एप्पल खाया? प्यार से पूछ, जैसे पूछ नहीं खाया दे। आज हमारे कैफे में बहुत बहुत ही दूर इंडिया से बाहर से लोग आए हैं और इनका नाम है अमन, आए ऑस्ट्रेलिया से। सर कैसे लगी आपको हमारे कैफे की कॉफ़ी? कॉफ़ी पी इन्होंने, बहुत अच्छी। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छी है ना? 10 में से कितने नंबर? 10 में से एक्चुअली ज़्यादा, 100 में से पूछो तो। ओह माय गॉड, ज़्यादा बटरी कर लिया आपको। खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश हो रही क्योंकि कॉफ़ी इसने बनाई। कॉफ़ी इसने बनाई होंगी ना। थैंक यू सर, आते रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त पीनट मसाला बनाते हुए हमारे शेफ। लीजिए मैम। मैम हमारे अमीरपुर से और हमारे पड़ोसी हैं और हमारे साथ ही काम करते पिछली साइड को। लव यू, ओके बाय, एंजॉय। हु इज इन द हाउस?
यार तुम तो ऐसे लग रहे हो सिस्टर। तो ये अंजलि और ये है इनकी भतीजी। ये इंडिया से हाँ, ये इंडिया से ही है वैसे। लो तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और प्रीति गई है अंजलि को घर छोड़ने, क्योंकि वो शिमला से आई है, अभी जस्ट पहुंची है, तो थक गई थी। हमने मतलब कि घर जाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि थक गई थी। अभी वो कल आएगी, कल मिलाएंगे आपको उससे अच्छे से। और अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ चल रहा है, दो लोग आए थे सरका घाट से। बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी साइड के लोग आते हैं, बड़े डिसेंट होके बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे सजेशंस देते हैं। तो बस यही चल रहा है, बाकी धीरे धीरे काम भी चल रहा है साथ साथ में। अभी डिनर भी बनाना है हमारे को। अभी एक्चुअली हमारे शेफ गए, कुछ सामान चाहिए था उनको अपना डेली नीड्स का, तो वो गए मार्केट। और अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे। आज पूरा दिन मैं ऑफिस में थी, तो आज पूरा दिन इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। बस यही है। तो रात के बजने वाले हैं 11 और किचन में बन रहा है खाना। मेरा मीना बोल नु आई है ना, फिर मैं कहा ना पैसे दो, मैं तो मेनू क्या बोल रहे हैं, हमने देने ही नहीं। यहाँ पे पक रही है, डिनर बन रहा है। डिनर में क्या बनाया भैया? चिंगी की रोटी थी। हाँ डिनर पे बना है येलो दाल, मतलब दाल तड़का और रोटी। मैं चली गई दो पराठे लेके। पराठे भी बने हैं। आज मेरे सिर में दर्द हो रही है बहुत जोर, पक गई है। कितनी रोटी खानी? हाँ दो तीन। मेरे को भी दो ही बनाना चाहता हूँ। ठंडी क्यों आ रही? क्या रोटी ठंडी आ रही? आज आज इतनी ठंड हो रखी है ना, आज हमारा फ्रिज बुरा सा लग रहा है, दुल्हन की तरह ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है आज। अजीब सी हवा चल रही है, ठंडी बिल्कुल बिल्कुल ठंडी। यार ने बनाना गोरिये मनु चांजर बना ले पैर दे। रात के बज चुके हैं 12। ये बकलोल आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, इसकी शक्ल आप देख रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी हैं चाट पी के वाले हैं, तो साथ में राहुल खड़ा हुआ है और हम जा रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बकवास मारेंगे आगे। क्या रिया? फिर हम चले जाएंगे घर पे। फिर सही बात कर रहा हूँ ना मैं गुनू। हाँ फिर आगे है ना? आगे आगे क्या? आगे क्या? आगे उसके बाद घर चले जाएंगे। फिर वो कहाँ पे जा रही है? घर चले जाएंगे। फिर हैं घर चले जाएंगे, घर पे जाके हम सो जाएंगे फिर। और क्या, फिर अब फ्रेश होने लगी हूँ, रात के बज गए हैं। तो मतलब मेरे को पूरा स्टॉक करता है, बात मान जानी। स्टॉक तो तू करता है मेरे को। तेरा नहीं मैं जरा देता हूँ। और सामने स्टार्टिंग क्या कर रही? हेलो नमस्कार, आज के सुबह के 12 बज चुके हैं, हम उठ गए हैं और मैं फ्रेश हो गई, और आज मैंने और गुन्नू ने के कैफे सामने है और हम जा रहे हैं। रहने दे ऐसे, तो मॉर्निंग ये तो करूं। सेम लाइन फिर से बोलना, कौन से जब भी पहले एक सेकंड पहले बोले क्या लाइन? इन इनके उत्ते पता नहीं क्या बोला, उत्ते कितने ऊपर कुछ नहीं है, दुनिया खत्म है। थैंक यू सर। ये क्या था? पहाड़ गिर जाएंगे। देखा, देख रहे हो आप कितने फैन है हमारे यहाँ पे, मतलब ब्लॉगिंग वाली ब्लॉगिंग के दीवाने हैं ये वाले, ये चाय ठेका वाले। और क्या ही बताएं, वो अपने अपने बारे में अब क्या ही तारीफ करें खुद की। बदतमीज। बाय टाटा, सत श्री अकाल। बाय। बड़े टाइम बाद आज हमने कैफे थोड़ा जल्दी क्लोज कर लिया था, 11:30 हो रहे हैं और आज हम निकले हैं थोड़ी सी गेड़ी पे मूड रिफ्रेश करने के लिए, फिर जाएंगे घर। फूड वेस्ट हुआ था, फूड तो हुआ। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, समझते हैं मतलब चीजों, कोई और होता था। तो अभी हम सो गए, मेरी बहन मार रही जमाई, मैं सो गई थी। हम देख खड़ 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 लाई गई थी। गाइस देखो मैंने बनाया स्टड। तो क्या करें अब, सोते सोते भी नहीं है, चैन है पर मुंह सारे तरह जोर। गाइस मैंने बनाया, अभी मैंने थोड़ा मुंह मां धोना है, काजो कुछ पूंजना है, फोन करने गले पे फिर बताने दी। आज मैं स्टड पहन के गई हूं, मैंने स्टोरी डाल के, ये कितने के है? मैंने 200 के। मैंने तू क्यों पूछती थी, तेरे को पैसे देने थे मेरे को? कहते नहीं, मैं पूछती थी मैंने कितने का माल पहना है। मैं पूछती भी कितने का महंगे पहने रहे, मैं 200 रहे थे तो ठीक है, खरे चमक रहे थे बनाए थे मेरे को 5-6 जोड़े और दे दे मुझे 1000 रुपया बना देंगे 5 जोड़े तेरी ना, वो सेल कराई हूँ तेरी, ठीक है कल ही तुझे पता ना, हर संडे तेरे सेमिनार लगा मेरे कैफे में। 1000 रुपये इस बार भी 1000 रुपये सेल करानी मैं तेरे संडे दिन। पैसे ऐसा है जाती थी तेरे
शर्म नहीं आंदी, शर्म नहीं आई। तो यही है गाइस, सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, थोड़ा मुंह में परांजा मारना है अभी और फिर सोना है। जमाई जमाई ने से तब मेरे तक खाक खाबू जो गुठी पाई देने सरिया। गाइस आज 22 सेक्टर में गई थी मैं स्टड लेने, स्टड नहीं सॉरी हुप्स लेने, तो वहां पे एक लड़की मिली मेरे को, तो खड़ी रही पहले, तो फिर मेरे को लगे पता कोई है नोन पक्का। फिर बोलती है अरे आप तो गुन्नू दीदी की बहन हो। मैंने बोला हाँ जी हाँ जी। कहते और कैसे? मैंने बोला अच्छी हूँ, आ जाना कैफे। बस सही है, उन्हें इतनी कहानी थी। ठीक है जी, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।